महिला पीएस केस नंबर 182 डेटेड 8/11/2024 गतकाली एई केसटा रजिस्ट्रेशन करा हितला महिला पीएस केस पुलिस स्टेशन रे अंडर सेक्शन 376(1), 385, 386, 294, 506 आईपीसी रेड विथ सेक्शन 66E, 67 एंड 67A आईटी एक्ट। एई केस रे जने को युवती से आसिकरी महिला पुलिस स्टेशन रे अभियोग करथिले जे तांकर सहित जने युवक गोटे ऑनलाइन गेमिंग एप द्वारा तांको संपर्क रे आसथिला। परवर्ती मुहूर्त रे तांको विषय रे तांको सहित तांकर संपर्क गढ़ी उठथिला। परे से युवक तांकर आइडेंटिटी तार परिचय को कंसील करथिला, लुचैथिला एवं तांकर युवतींकर कॉन्फिडेंस बा ट्रस्ट गेन करिया पई करिवार सफल हेतिला। परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले से तांकर ट्रस्ट गेन करिवार सफल हेकि से युवक जनक ओडिशा मध्य आछे, से ओडिशा आसी से युवतींकर सहित से माने पुरी रे देखा साक्षात हेतिले। परे तांकर उभयंकर उभय उभयंकर संगरे किछि समय मध्य बिताइथिले। परे ता सहित तांकर संपर्क मध्य से युवक जोर जबरदस्त करि तांको मिछ कहि कंसील करि एवं जोर जबरदस्त करि तांको सहित संपर्क मध्य रखिथिला। एई अभिजोग पाइबा परे आमे ताकु सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करथिलु, जेहेतु एटा गोटे स्पर्शकतार विषय आमे ताकु गोटे टीम करी इन्वेस्टिगेशन आरंभ होइतिला। इन्वेस्टिगेशन आम जानिबाकु पाइलु जे जने को युवक जहाँ नाम होची मोहम्मद समीर मंसूरी, से मूल निवासी होची रक्सौल, पीएस रक्सौल ईस्ट चंपारण बिहार रो, किंतु से वर्तमान जम्मू कश्मीर रे काम करे। तापर जेतेबेले युवक एई युवक तार ओरिजिनल आइडेंटिटी से युवती जानी पारचंती तो से ताकु अवॉइड करबा आरंभ कले। बट लेटर ऑन ए युवक जनक से जनक युवती को धमक चमक देबा आरंभ कला, तांकु थ्रेटन करबा आरंभ कला, इंटिमिडेट करबा आरंभ कला, तांकु थारु ए एतला आधार रे पैसा मध्य डिमांड कला। एवं जेतेबेले से सक्षम हेले नाही सेतेबेले से जो तांको संपर्क रो जो अंतरंग मुहूर्त रो किसी ऑप्शन वीडियोस से उत्तोलन करथिला, युवती को मिछ कहिकिरी तांको किसी ऑप्शन वीडियोस भी पठाइबा आरंभ कला तांको पेरेंट्स को फ्रेंड्स को, जद्वारा ए युवती को प्रेसराइज करि पारिबो एवं तांको थारु आउरी अधिका पैसा मध्ये से डिमांड करबा आरंभ कला। परे ए युवती जणक को बाध्य कला से बाहा हवा पई बा तांको सहित ता सहित जीवा पई एवं से ओडिशा आसला से युवती को नहीं कि जीवाई। यही समय रे जेहेतु आमर गोटे आगु केस रजिस्ट्रेशन होता और आम इन्वेस्टिगेशन करूँ आम युवक डिटेन करूँ धरीलु आम कस्टडी को नहीं थी। तापर विस्तृत भाव में पचराउचरा कर पचराउचरा कलापर यह सब तथ्य आमर हस्तगत होता ना हूँ मोहम्मद समीर मंसूरी, ता बयस 24 वर्ष, ता घर हूँ पुलिस स्टेशन रक्सौल, ता घर हूँ ईस्ट चंपारण बिहार, से हूँ मूल निवासी। वर्तमान से गोटे इलेक्ट्रिक मेकानिक हिसाब रे कश्मीर रे काम करुची एवं ऑनलाइन गेम द्वारा से एक्सेप्ट भी करुची, से कन्फेस भी करुची जो ऑनलाइन गेम द्वारा से युवती सहित संपर्क रे आसीची। बाकी एई केस रे जेहेतु फोन मध्य व्यवहार होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्यवहार होती आमे दुईटी मोबाइल फोन ताठारु सीजर करचू, जो फोन व्यवहार होता वीडियो उत्तोलन करिया पाई, फोटो उत्तोलन करिया पाई, तत्संगे संगे पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्यान्य सामग्री तार परिचय एस्टाब्लीश करिया पाई आमे ताकु मध्य जबत करचू एवं ताकु गिरफ करा हिची, तो गिरफ करी कोर्ट चालान करा जिवो। युवती जणकु मेडिकल डाक्तरी मायना पाई
ପଠା ହେଇଥିଲା, ସେ ଲିଗାଲ ଫର୍ମାଲିଟିସ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଫର୍ମାଲିଟିସ ଅଛି ଏ କେସ୍ରେ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଯୁବକକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ତ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟାକୁ ସେ ଲୁଚେଇଥିଲା, ଛପେଇଥିଲା, କନସିଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଆମର ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେବ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ହେବୁ। ତାର ଫୋନ୍ ଆମର ଏଇଠି ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟର କେସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଉଛି ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ଯୁବତୀ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦୁଇଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ବିଲକୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି କିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏବଂ ବିନା ଭୟରେ ଆସିକିରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବୁନି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।